इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी जो है लाशें यहाँ पर रखी हुई है कोविड की। किस कदर यहाँ पर एक मंजर देखा जा सकता है कि कई सारे पेशेंट हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके बावजूद भी हुकूमत एक फैसला लेती है कि NGOs काम नहीं करेंगे, NGOs ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या तो फिर वो मरीजों को नहीं। तो जिस कदर ये हालात बनते जा रहे हैं, क्या आने वाले जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी क्या हुकूमत या प्रशासन लेगा, यही सवाल है। देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है मरीजों को देखा जाता है और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से लड़ रहे हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह तब से खड़े हैं, अभी एडमिशन लेने को बोले तो बेड नहीं अवेलेबल, नहीं ऑक्सीजन नहीं है और बेड नहीं है बोल रहे हैं, तो तब से वेट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो अभी पेशेंट को भी तकलीफ है और ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है और वेंटिलेटर पर रख रहे हैं। बाहर भी प्राइवेट में घूमा तो भी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट से भी जगह पे जाके आया, DC को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, कॉन्टैक्ट हुआ नहीं। कितुर से आए हम? सुबह आए हैं, सिटी स्कैन करवाया लेक्यू में, लेक्यू में करने के बाद 16 आया, वहाँ पे 72 ऑक्सीजन लेवल था, तब से घूम रहे, कोई कहीं पे भी एडमिशन मिल नहीं रहा। आज अगर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में देखेंगे तो हर जगह पे जो पेशेंट का फ्लो बढ़ रहा है उनके लिए हॉस्पिटल के पास भी, सिविल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन बेड या नॉर्मल बेड की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो NGOs का ऑक्सीजन बंद करके इनको क्या मिल रहा है? आज हर पेशेंट तकलीफ में है, उनका तकलीफ गवर्नमेंट कैसा मिटाने वाली है? उनको ऑक्सीजन देने के लिए कुछ अलग से मैकेनिज्म बना रहे हैं क्या? अगर बनाए तो वो पहले वो पब्लिक के सामने लाए, हमारे जितने भी पेशेंट जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उनके साथ जो भी है देके उधर से लेंगे, हम लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोविड में हमारी जान और हमारे फैमिली की जान दाव में डाल के लोगों की मदद करने की, हम लोग घर पे बैठ सकते हैं, मगर आज जो हमारे भाई लोगों का जो तकलीफ हम लोग देख रहे हैं वो देख के हम लोग यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर सुविधा हमारी जो भी है वो भले खाना बांटने से लेके हो या शमशान लेके जाने तक का हो, वो हर सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करे फ्री में, तो हम लोग आराम से घर में TV देखते हैं, हमारे फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करते हुए बैठ सकते हैं। यही बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट या तो ये पेशेंट्स को मुहैया कराए या फिर NGO को आज़ादी दे, जो सुविधाएं वो दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वैसा ही कंटिन्यू करें। सर आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र शिवाजीराव अनगुलकर, मैं हेल्प फॉर निडी, फूड फॉर निडी और एजुकेशन फॉर निडी, ये 3 प्रोजेक्ट चलाता हूँ। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज बेलगाम शहर में बहुत हालात बिगड़ रहे हैं, मगर आज जो जिला हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब है, इनके पास में 2-3 दिन पहले मैंने उनके पास में MDCR इंजेक्शन के लिए एक हॉस्पिटल के लिए एक पेशेंट के लिए गया था। सुबह से 5-6 पेशेंटों के लेकर जाकर एडमिट करना और उनको ऑक्सीजन देने का और वेंटिलेटर का बंदोबस्त कराने के लिए हम तो भाग दौड़ करते ही है सुबह शाम, और इसमें कौन सी भी नहीं है, ये रमज़ान का मुबारक महीना भी है और इसमें जैसे जो हालात चल रहे हैं इनके लिए एक सवाब के काम के लिए हम ये सब काम करने लगे हैं, मगर आज का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो चुका है। ये इसलिए फेल हो चुका है MDCR इंजेक्शन के नहीं रहने की वजह से भी बहुत सारे लोग मरने लगे और कम से कम अभी 8 दिन के अंदर, जब से अभी 5-6 दिन के अंदर नहीं, कम से कम 50-60-70 ऐसी लोग तो हमारे सामने ही चले गए। तो आज मैं DC को, आज हमारा ये सिविल हॉस्पिटल को आए हुए हैं, BIMS हॉस्पिटल को, और परसों मेरे साथ में DC जो मिसबिहेवियर किए, बातचीत करने का उनका लहजा था बहुत गलत लहजा था, लोगों को हेल्प करने के लिए नहीं आए, लोगों की जान लेने के लिए वो DC आए हुए हैं ऐसा लगता है। उन्होंने ये बात कहा था कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है वहाँ पे MDCR इंजेक्शन नहीं दे सकता और सप्लाई नहीं दे सकता मैं करके, ऐसा उन्होंने खुला बोला।
तो उन्होंने बोला कि तुम क्या भी करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट मत करो, यहाँ सिविल हॉस्पिटल को लेकर आकर एडमिट करिए तो मैं वहाँ पे बंदोबस्त करवा देता हूँ करके उन्होंने बोला। अगर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आते हैं तो एक बेड खाली नहीं है, अभी एक घंटे दो घंटे से यहाँ से पेशेंट्स वहाँ पे मरने लगे, उनके लिए कोई बराबर एडमिनिस्ट्रेशन कर लेने के लिए, एडमिशन कर लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तो ऐसी हालत बेलगाम के शहर में है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो चुका है और प्राइवेट वालों को अभी जहाँ पे भी ये ऑक्सीजन दे रहे थे, इतने दिनों से जाना बचाने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे थे, वो भी उन्होंने रोकाया है। उसके लिए डीसी ये साहब अभी कुछ भी होने दो, बेलगाम में एक दो दिन के अंदर अगर ज़्यादा मौतें होंगे तो उसके जिम्मेदार डीसी रहेंगे। बेड चिल्लर में ऐसे बनते थे हाँ, त्यासाठी आम्ही आता 2 साल झाले इथं वाट बघतोय तिथेची, ॲडमिट म्हणजे बेड अवेलेबल व्हायची वाट बघायला, आता 2 तासानंतर म्हटलं की घेऊन या, अजून किती वेळ लागतो नाही, आज पेशंटला घेऊन या म्हणाले हां, आणि आता घेऊन चाललो, बघूया आता काय व्यवस्था होते काय, कारण त्यांना ऑक्सिजनचंच बेड पाहिजे, त्यांची लेवल आहे आता। अ व्हेरी गुड डे टू यू सर, मी इट्स टीचर मारिया थिओडो फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉन्व्हेंट हाय स्कूल, आय एम कम बिफोर द स्क्रीन टुडे टू शेअर अ फ्यू ऑफ माय ग्रीव्स दॅट आय एम फेसिंग टुवर्ड्स दिस पॅन्डेमिक डिझीज। My husband, Mr. Timmy Theodore, was suffering from this coronavirus and it so took bad that he had to be hospitalized. He was kept on oxygen for a couple of days and then was discharged. Now he is at home and has to be monitored on an oxygen cylinder. Thanks to the NGOs who were giving us all these days, supplying us with the oxygen cylinder. But I'm unfortunate to say, today when I approached them, they said that they were not in any kind of help to me in supplying me an oxygen cylinder. This is my sincere request to you, dear DC sir, please lift up this ban, because there are many ladies like me who are suffering through this struggle in taking care of their families. Sir, sincerely I request you to help the NGOs to get through these oxygen cylinders so that they can be of some help to the public. This is my sincere request to you sir, which can save many lives as I am going through this trouble. This is my sincere request to you once again, please do the needful of helping the NGOs to provide us with the oxygen cylinders. Thank you sir.